नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस यूपी पर। मैं हूं मोनिका। आतंक का सरगना मसूद अजहर मारा गया है, ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खबर आ रही है कि आतंक का सरगना मसूद अजहर उनके ही हॉस्पिटल में, इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में उनके मरने की खबर आई है। वही मसूद अजहर जो पुलवामा में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है और जैश ए मोहम्मद का सरगना है, उसकी मौत हो गई है। हालांकि इसकी कोई अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही खुशी की बात होगी अगर मसूद अजहर की मौत हो गई है। तो चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं कि क्या चल रहा है मीडिया में। क्या मारा गया आतंक का सरगना मसूद अजहर? खूंखार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के मौत की खबर आ रही है। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंक के सौदागर मसूद अजहर की पाकिस्तानी आर्मी के इस्लामाबाद हॉस्पिटल में मौत हो गई है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मसूद अजहर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की निगरानी में है। जैश ए मोहम्मद ने भी मसूद अजहर के मारे जाने की कोई पुष्टि नहीं की है। आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने मौलाना मसूद अजहर के बीमार होने का दावा किया था, और ऐसे में मसूद अजहर के मरने की खबर को लेकर लोग सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं। हाल ही में बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक में भी उसके मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ रक्षा विशेषज्ञ मसूद अजहर के मारे जाने की खबर को पाकिस्तान की चाल मान रही हैं। आपको बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद से भारत समेत दुनिया के देशों का जैश ए मोहम्मद और उसके सरगना पर कार्रवाई का पाकिस्तान पर जबरदस्त दबाव है, और ऐसे में माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने के लिए पाकिस्तान ने मसूद अजहर के मारे जाने की अफवाह उड़ाई है। सोशल मीडिया पर खूंखार आतंकी मसूद अजहर की मौत की खबर तेजी से फैल रही है, जिसमें खुफिया सूत्रों का हवाला दिया जा रहा है। इससे पहले मसूद अजहर के हॉस्पिटल में भर्ती होने की खबर आई थी, जहां उसकी किडनी से जुड़ी बीमारी का इलाज चल रहा था, और ऐसे में मसूद अजहर की मौत की खबर भारतवासियों के लिए खुशी की बात है। अभी कुछ ही समय बाद इस खबर की पूरी तरह से पुष्टि हो जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये पाकिस्तान की चाल है या सच में मसूद अजहर मारा गया? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को भी सब्सक्राइब करें।